माइंडसेट, यानी कि हम अपने जो जहन में इंफॉर्मेशन लेते हैं वो कैसे है, हम उसको सही तौर पे अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। और कुछ खुदा ताला ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चीज़ें बनाई, एनर्जेटिक बनाई हैं, यानी हमें उसे आउट करना चाहिए। जैसे नेचर, हम कुछ आउट करते हैं तो उसको रिलीज़, यानी हमें इन और आउट करना पड़ता है। यानी मैंने ज़िंदगी में ज़्यादातर ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इधर से उधर इकट्ठी देख ले तो एक उसका आउटकम ये मिलता है कि ज़िंदगी में वही मैं परेशान शुदा ख्यालात आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और सेहत वाली आपको मालूमात कम ही मिलती है। मेरे ख्याल से अगर हम अपने माइंडसेट को इस तरीके से चेंज कर ले, यानी कि जैसे हमें टेस्टी के लिहाज, टेस्ट के लिहाज से, जायके के लिहाज से आलू या आलू की चिप्स खाना ज़्यादा पसंद है, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है लेकिन इसका कुछ आउटकम आपको अच्छा मिलता है, और यकीनी बात है कि हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर तौर पे पेश कर सकते हैं अपने माइंड सेट्स को, और जहन की जो अमल है प्रोसेस करने का, हम उसको ज़्यादा तौर पे बेहतर कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा इसमें रिलेटेड गारबेज मीन्स एक्स्ट्रा जिसका कोई इंफॉर्मेशन से कुछ आपका तल्लुक ही नहीं है, गैर ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं, हमें जो रिलेटेड मेडिटेट करना पड़ता है, यानी उन चीज़ों को जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर तौर पे नामुनासिब लगे हमें उनको अपनी ज़िंदगी से आउट करना चाहिए, और फिर हमें देखना चाहिए कि कैसे एक स्ट्रक्चर वाइज आपका ड्रीम कैसे काम करता है। बेसिकली हम वाइन से माइंड सेट्स की हेल्प आउट ले सकते हैं। तो खुदा ताला ने इस आपके ज़हनी अमल को इस कदर, ज़हनी अमल में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, और एनर्जी भी है, ठीक है, एनर्जी का लो होना, जैसे सूरज का शाम बहुत ज़्यादा बिलो हो जाए, ठीक है, उसकी एनर्जी का ये चीज़ है, और इसी तरह हमारी अपनी बॉडी है, बॉडी से ज़्यादा हमारी माइंड सेट है, यानी मेंटली तौर पर हम कितना स्ट्रॉन्ग हैं, इसी तरह मेंटली स्ट्रॉन्ग हम बिलो हो जाते हैं, लो हो सकते हैं। वो लो चीज़ें क्या होती हैं, जिस तरह रोशनी को कम करना, अंधेरा बहुत ज़्यादा, अंधेरे से रिलेटेड यानी कि सैड ज़्यादा खबरें सुनना, और वो इंफॉर्मेशन जो इंसान को ऑलरेडी परेशान करती है, फिर हमें इन चीज़ों से निकलना या हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और हमें वो चीज़ें ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं हेल्थ, जिससे हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको पकड़ सकें, उस हद तक पहुँच सकें, फिर वो सोल्यूशन बन, माइंड सेट का सोल्यूशंस तब भी बनता है जब आप फ्री ब्लैंक हो, यानी उस चीज़ से पकड़े ना रखें, उसको आज़ाद हो, जैसे एक परिंदे के पर जो होते हैं उड़ने के लिए, इसी तरह इंसान के जो ख्याल आते हैं वो कभी भी किसी टाइम उड़ते हैं और आ जाते हैं, लेकिन चीज़ें हमें वो आउट करनी चाहिए जो हमें एक बामकसद दे और एक फ़ायदे दे, और ज़िंदगी को आपको एक बेहतर तौर पे एक अच्छा सवाल ने आपको एक अच्छी ज़िंदगी की एक नेमतों से सरफराज कर सके, और आप वाकई हकीकत में एक नेमतों को ले सकें। मेरा ख्याल है कि नेमतें इंसान को खुदा ताला ने हज़ारों की तादाद में दी, अगर वो देखें अपने आप पे, देखें अपने अपने बोलने पर, देखें अपने देखने के नज़रिए को देखें, और इंसान की सोचने के नज़रिए, खुदा ताला की सबसे बड़ी नेमत, और इसे हमें पैनिक नहीं समझना चाहिए, कुछ चीज़ें खुदा ताला की लेबर्स होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हर्ट भी करती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों को बेहतर तौर पर उनसे मज़ीद लुत्फ लेना चाहिए। और जैसे मैं अभी देख ही रहा था कि सूरज ग्रूब हो रहा है, इसकी एनर्जी इवन के ख़त्म नहीं, इसकी एनर्जी इस तक लो हो चुकी है और अंधेरे का टाइम है,
तो इसी से मुझे ये सीखने को बहुत ज़्यादा चीज़ मिली है कि हमें एनर्जी लो नहीं लेनी चाहिए या ज़्यादा हाई क्लास एनर्जी लेनी चाहिए। तो ऑब्वियसली सबका सवाल यही होता है एनर्जी हाई क्लास। तो हाई क्लास एनर्जी के फंडे को इस्तेमाल करने के लिए हमें इन्हीं खुदा ताला की चीज़ों को, नेमतों को अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम उनसे ज़्यादा ज़्यादा बेहतर तौर पे एनर्जी ले सकें और उसकी उससे ज़िंदगी को अपने बेहतर तौर पे खुदा ताला की बेहतर उसकी नेमतों से शुक्र अदा कर सकें और हमें उस चीज़ों पे अफसोस ना हो जब आप ज़िंदगी से ज़िंदगी में कुछ सब कुछ पाने के बावजूद हमें वही माइंड सेट रहना चाहिए जो एक हासिल करने के बाद हमारा होता है। उम्मीद है कि हम फिर बेहतर तौर पे अपनी परफॉर्मेंस से मज़ीद अच्छे हो सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अल्लाह हाफ़िज़।